हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज टमाटर की चटनी बनाती हैं। आप बनाए होंगे बहुत तरीके से, शायद ऐसे भी बनाए होंगे, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए जैसे मैं बना रही हूँ। 3 टमाटर है पूरा, 1 लहसुन है पूरा वो उसका, 4 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, ज़्यादा तीखा। एक चाकू से हल्का हल्का छेद कर देंगे और उसी तीनों में ऐसे ही, ताकि टमाटर गर्म करते समय उसको वो फूटे ना। और मिर्ची भी उसी के अंदर जितना छेद किए हैं, जितना मिर्ची जाएगा इसके अंदर उतना मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए ऐसे सारा कर देंगे, लेकिन उसको डालने से पहले मिर्ची को पहले चीरा लगा देंगे, फिर टमाटर के अंदर मिर्ची को डालेंगे। ये देखिए मैं पहले ही डाल दी थी, उसको दिखा दिया था पहले ही। सारा ऐसे ही कर लेंगे जितनी भी मिर्ची है। ये हो गया सारा ऐसे। अब चलिए इसको गैस चूल्हे पर चलते हैं, इसको भूनना है अच्छे से अंदर तक, ताकि लहसुन और मिर्ची और टमाटर गल जाए अंदर से। एक ऐसे कुछ भी कोई भी स्टैंड आप ले सकते हैं जो गैस चूल्हे पर रखा जाता हो, उस पर रख के टमाटर और लहसुन को मिर्ची को अच्छे से धीरे धीरे हिला के पकाइए, ताकि अच्छे से टमाटर अंदर से गल जाए और लहसुन भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लहसुन लिया है, पूरा एक गांठ। जब ये अंदर अच्छे से धीरे पक जाएगा तब इसको गैस बंद कर देंगे, और जब तक अच्छे से पके ना तब तक उसको हाथ से या किसी चिमटे से आप जले ना, अगर हाथ से करें तो ऐसे से धीरे धीरे उसको हिलाते रहेंगे, ताकि ये चारों तरफ अच्छे से गल जाए अंदर से। ऐसे घुमा घुमा उसको आवाज़ को सिलो रखेंगे, अच्छे से पका लेंगे अंदर तक, जब तक पक ना जाए। ये अब हो चुका है, अभी हो चुका है ये। अभी यहाँ पर इसको गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि टमाटर छिलका छोड़ दिया है, मतलब ये अच्छे से गल गया है। अगर चिमटे से उठा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट प्लेट में ऐसे डाल लीजिए। मेरे से चिमटे से नहीं उठा। ये देखिए अंदर अच्छे से गल गया है इसके। अब जब कुछ देर इसको एक तरफ रख दीजिए 10 मिनट के लिए, जब ठंडा हो जाए तो इसके छिलके हाथ से हल्के निकाल दीजिए। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं सूट की ध्यान नहीं दी, थोड़ा छोटे में सूट हो गया है। ऐसे लहसुन का भी निकाल लेंगे कली, जितना डालना हो इस समय बस उतना ही लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लीजिएगा, कम पसंद है तो कम। बस इसको छिलका निकाल देंगे ऐसे ही, सारे छिलके ऐसे लहसुन का निकाल लेंगे। ये सब हो गया। अब इसको टमाटर को एक अलग बर्तन में डालेंगे, और उसके किनारे वाला हिस्सा रहता है जो गांठ जैसा, उसको काट के निकाल देंगे साइड टमाटर का चाकू से। फिर ये हाथ, इसको हाथ से चाहे मैश करिए या इससे, इसको क्या बोलते हैं इसका नाम नहीं आ रहा मुझे। अब मिर्ची का खड़ा रह जाए तो उसको काट दीजिए, प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची को वैसे उसी से अच्छे दाब, चाहे हाथ से कर लीजिए। और प्याज यहाँ पर डालना ऑप्शनल है, आपका मन करे प्याज डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। प्याज, हरी धनिया, काला नमक ये डाली मैं अभी, नमक डाली स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देखिए सब डाल दी हूँ, इसको अच्छे से मिला दीजिएगा। अगर आपका मन ना करे प्याज तो मत डालिएगा, प्याज नहीं खाते तो। ये देखिए बनकर तैयार। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।